हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रियलमी फ़ोन के बारे में, जिसमें दोस्तों बहुत सालों का मुझे कमेंट आ रहा था कि सर रियलमी के फ़ोन में डुअल ऐप कैसे करें। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मुझसे ऐसे बहुत सारों कमेंट आ रहा था कि सर बिना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए आप बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, फ़ोन हैंग करने लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें रियलमी के फ़ोन में जो डुअल ऐप करना उसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अपने साथ अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारे टेक गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रियलमी के फ़ोन में डुअल ऐप कैसे करें, ठीक है। कमेंट मुझे बहुत सारा आ रहा था, इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी रियलमी का ही फ़ोन यूज़ करता हूँ। पहले दोस्तों मैं रेडमी का फ़ोन यूज़ करता था, तो उसमें ईजी हो जाता था, बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट इसमें अभी थोड़ा चेंज हो गया ऑप्शन, और मैं वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप बिजनेस है, ठीक है। अभी मैं व्हाट्सएप बिजनेस दोस्तों इसलिए डाउनलोड किया था कि मुझे दूसरा व्हाट्सएप यूज करना है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसमें आपको डुअल ऐप करना है, ठीक है। ऐसा भी आपको आप लोगों को बहुत देखने को मिलता होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप ऐप क्लोनर सर्च करेंगे ना, ऐप क्लोनर आपके फ़ोन में ही रहेगा। अगर आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसे नीचे स्लाइड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे मिल जाएगा ऐप क्लोनर, ठीक है। अब दोस्तों जब आप ऐप क्लोनर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके ये सारे एप्लीकेशन क्लोन किए जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद भी करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा उसका मैं अलग से तरीका बताऊँगी किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे फ़ोन मेरे यहाँ पे ट्विटर का वो है, ठीक है, ट्विटर का है, तो मैं यहाँ पे ट्विटर का एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सेटिंग खोल ले रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लोन ऐप का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोन ऐप करना है, और देखिए यहाँ पे आपको एक ट्विटर का यहाँ पे मिलेगा, और इसके बाद दूसरा ट्विटर आपको स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद ओपन करेंगे, ठीक है, इसको भी आप ओपन करेंगे सेम टू सेम। जब आप अपग्रेड करते हैं तो सेम टू सेम ये भी अपग्रेड हो जाएगा आपका उसके बाद, ठीक है। इसी तरह से आपका डुअल ऐप होता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों बताना चाहिए चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए आपके फ़ोन में केवल उतना एप्लीकेशन थोड़ी है, इसके बाद भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर जो आपको ये भी करना है कि क्या करना है कि इसको भी आपको करना है डुअल ऐप, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपका वो दूसरा वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया है कि रियलमी के फ़ोन में आपको डुअल ऐप कैसे करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नए अर्निंग एप्लीकेशन के साथ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।